हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड किस तरह से ये हमारी लाइफ की सक्सेस एंड हैप्पीनेस को डिसाइड करती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग ये बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है उनके इमोशंस, यानी कि उनका जो भावनात्मक पक्ष है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से उन्हें कई जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल सच है। आपकी लाइफ की सक्सेस, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस डिसाइडेड होती है कि आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, यानी कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी हाई है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जाने से पहले हमको एक चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे इमोशंस हैं ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमें कमज़ोर नहीं बनाते। इमोशनल होना गलत नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं, उन्हें किस तरह से अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड किस तरह से ये हमारी लाइफ की सक्सेस एंड हैप्पीनेस को डिसाइड करती है। तो अगर हम बात करें इसकी शुरुआत से, तो 1990 में पहली बार ये टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस इट वॉज कॉइंड बाय टू साइकोलॉजिस्ट, पीटर सालोवे एंड जॉन मेयर। लेकिन 1995 में डेनियल गोलमैन की एक बुक ने इसको पॉपुलराइज किया। डेनियल गोलमैन ने अपनी बुक EQ, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ में बताया कि हमारी लाइफ की जो सक्सेस होती है वो सिर्फ 20% ही IQ पे डिपेंड करती है। जी हाँ, और रेस्ट जो हमारी लाइफ की 80% सक्सेस है एंड हैप्पीनेस है वो सब डिसाइडेड होती है बाय इमोशनल इंटेलिजेंस EQ या EI जिसको हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस में 5 कोर एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो वन बाय वन हम इन कोर एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं क्या है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस में काउंट करते हैं। तो नंबर वन इज़ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। आपको अपनी मूड स्टेट की, अपनी भावनाओं की समझ होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि उनकी जो करंट मूड स्टेट है वो कैसी है या उन्हें कैसा फील हो रहा है। सो इन दिस वे इमोशनल इंटेलिजेंस में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी भावनाओं की, अपनी मूड स्टेट की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस करंट मूड स्टेट में हैं। एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण। फ्रेंड्स, ज़्यादातर बार देखने में आता है कि लोग अपने नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर या सैडनेस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो छोटी से छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, बहुत एंग्री फील करते हैं या लंबे समय तक छोटी छोटी बातों के लिए सैड या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स एक पर्सन का उसके इमोशंस पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है एंड वो कितने अच्छे से अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है एंड एप्रोप्रिएट टू द सिचुएशंस उनको एग्जिबिट कर पाता है। तो जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी काम और रिलैक्स रह पाते हैं एंड बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते। सो ये आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। एंड इसके बाद बात करते हैं थर्ड कॉम्पोनेंट, दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि यूज़ योर इमोशंस टू मोटिवेट योर सेल्फ। जैसे आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या डिसीजंस होंगे, ये आप अपने आप से, खुद से सेट कर पाते हैं। एंड इसमें जो आपके इमोशंस हैं वो आपको हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल होप या ऑप्टिमिज्म, जब आप होपफुल होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुद डिसाइड कर पाते हैं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। बिकॉज हम अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे ये हमारे सेल्फ मोटिवेशन से ही डिसाइडेड होता है। हम धक्के गाड़ी से बहुत दूर आगे तक नहीं जा सकते या हम चाबी से चलने वाले खिलौने नहीं हैं। अगर हम अपने अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे इमोशंस हैं वो किस तरह से हमें सेल्फ मोटिवेट करते हैं और सेल्फ मोटिवेशन से हम अपने लिए, खुद के लिए वो चीज़ें डिसाइड करते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। एंड अब बात करते हैं फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो है अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशनल स्टेट। जी हाँ, दिस इज़ कॉल्ड एम्पैथी।
फ्रेंड्स, जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी इमोशनल स्टेट को समझ पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, तो ये आपको इंटेलिजेंट बनाता है, इमोशनली इंटेलिजेंट। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी इमोशंस को समझ पाएँ और अपने इमोशंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट कर पाते हैं, बल्कि आप दूसरों की भावनाओं को और दूसरों के इमोशंस को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट माना जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। एंड इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज हैंडलिंग रिलेशनशिप। यस फ्रेंड्स, वी आर सोशल बींग, हम सबके साथ रहते हैं और सबके साथ हमें काम करना होता है, और हमारा जो गिव एंड टेक है, जो हमारा एडजस्टमेंट है, जो हमारा एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेशन होता है, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि हमारे दूसरों के साथ में रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं। तो अगर आपके दूसरों के साथ में रिलेशंस पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली आपके जो इंटरेक्शंस होंगे वो स्मूथ होंगे और सक्सेसफुल होंगे आप। तो आप देखते हैं कि जो लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं, दूसरों के साथ में अपने रिलेशंस पॉजिटिव वे में हैंडल करते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है दूसरों के साथ काम करना, दूसरों से काम करवाना। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं, कहीं हम सीनियर होते हैं, कभी हम जूनियर होते हैं, और हर सिचुएशन में ये जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, ये हमारे सोशल इंटरेक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस में कि आपके दूसरों के साथ में रिलेशनशिप किस तरह के हैं, आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर आपके रिलेशंस पॉजिटिव हैं, इट मीन्स आपकी लाइफ का सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है वो कोर कॉम्पोनेंट्स जो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं, यानी कि हमारे जो भावनात्मक पक्ष है उसको मजबूत करने में हमारी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा स्किल है जिसे हम लर्न कर सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आगे आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी लाइफ की सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।